रहेगा जात पात की राजनीति हो जाएगी, जैसे रंगों में देश को बांट दिया गया है। मैं अमन पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मुझे लाल हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। कुछ नाम हम आपको बता देते हैं, जैसे मीर अब्दुल हमीद साहब का नाम जो चलता है आप लोगों का, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब है, कातुल्ला खान है, टीपू सुल्तान है, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, सैयद मोहम्मद सरपुर साहब जो 1930 में गांधी जी की नमक आंदोलन में शामिल थे और काफी उन्होंने लाठी डंडा बिठाया गांधी जी के साथ। ने भी देश आजाद कराया है, किसी ने अपनी कलम के जरिए, तो किसी ने दूसरे तरीके से। अब हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद अब्दुल रहमान, ये भी एक पत्रकार, अमीन अल अमीन अखबार की मकबूलियत इतनी बड़ी कि हर आदमी के हाथ में अल अमीन दिख रहा था, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो क्रांतिकारी था, क्रांतिकारियों का ये पसंदीदा अखबार था। इस अखबार ने जोरदार तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ समाचार चलता था और नतीजा ये निकला कि इनको भी जो है कई बार जेल जाना पड़ा, इनको भी बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन ये डरे नहीं। अगर डर गए होते तो आज देश आजाद नहीं होता और हम लोग अपनी बातों को नहीं कह सकते थे। फिर हम आपको एक अगला नाम दिलाते हैं, मौलवी मोहम्मद बाकिर, इनको अंग्रेजों ने तोप के सामने बांध करके उड़ा दिया था। सोचिए कितनी दर्दनाक मौत रही होगी, कितनी निशन संख्या ये रही होगी कि अंग्रेजों ने इनको तोप पे बांध कर उड़ा दिया था। ये भी एक पत्रकार थे और इनका अखबार था अकबरु जफर, बहादुर शाह जफर के नाम पे इन्होंने अकबरु जफर के नाम से अखबार निकाला था। इस अखबार की भी यही कहानी थी जिस तरीके से अमीन की कहानी थी। तो आज पत्रकारों के बीच में इस चीज को जानना जरूरी है कि पत्रकार का देश, पत्रकारों का भी काफी बड़ा योगदान रहा देश को आजाद कराने में। और आज के इस परिवेश में जहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, आपसी सौहार्द को बनाने के लिए, सच्चाई को दिखाने के लिए यहां हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग बैठे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक वर्ग से बिलोंग करते हैं तो दूसरे वर्ग से जगदीश जी यहाँ है, तो वही दूसरे वर्ग से जावेद कादरी साहब है, ऐसे कादरी साहब है, कहीं पंडित जी हैं, तो कहीं त्रिपाठी साहब है, कहीं अंसारी साहब है। यानी कि यहाँ पर हम लोग एकता की मिसाल भरपूर पेश कर रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, हम लोग अपने माध्यम से देश की आवाज है, चौथे स्तंभ है। ये स्तंभ जर्जर हो चुका है, कमजोर हो चुका है, जर्जर स्तंभ को इतिहास को याद करते हुए एक बार फिर से मजबूत करना है। और जो राजनीति चल रही है विभाजन की, उस राजनीति को खत्म करके अखंड भारत को अपनी जगह बनाए रखना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आसान कोई काम है वो भी पत्रकारिता है। अगर आप जमीन फरोश है, अपने अंदर आत्मा बेच सकते हैं, अपना जमीन बेच सकते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे सस्ता काम है कि आप पत्रकारिता कर दीजिए, अपने जमीन को बेच दीजिए और सत्ता की बलाने कीजिए। मगर अगर आपके अंदर जमीन है, स्वाभिमान है, हिम्मत है, हौसला है, जोश है, जुनून है, कुछ करना चाहते हैं और ईमानदारी है, तो आपके लिए सबसे मुश्किल काम होगा पत्रकारिता करना। और देश की जो दूसरी समस्या मैंने कहा सांप्रदायिकता, उस सांप्रदायिकता को खत्म करना भी आप ही के हाथ में है। कहा जाता है पत्रकारों के हवाले से न स्याही की है दुश्मन, न सफेदी की है दोस्त। पत्रकार एक कैसा होना चाहिए कि न स्याही की है दुश्मन, न सफेदी की है दोस्त। हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं, इससे आगे पत्रकारिता है ही नहीं, इससे पहले कोई पत्रकारिता है। जहां तक सांप्रदायिकता की बात मैं कर रहा था कि देश की बड़ी समस्या है, सच में देश की बड़ी समस्या है, मगर जब मैं राष्ट्रीय पत्रकार समर्थित संघ भारत के प्रोग्राम में आता हूं, कसम खुदा की मेरा सीना चौड़ा हो जाया करता है। क्योंकि मैं देखता हूं कि यहां अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय जगदीश सिंह साहब तस्लीम फरमा होते हैं,
आपको भोजन के लिए बुलाया है जनाब हैप्पी राय साहब। मैं चाहूंगा कि हैप्पी राय साहब आए और दो शब्द में मेहमान का शुक्रिया अदा कर दें। बहुत अच्छा लगा, उम्मीद नहीं थी आएंगे, बहुत अच्छा लगा। अब सभी पत्रकार बंधुओं को भी नमस्कार। छोटा सा प्रोग्राम था लेकिन बात संगठन की थी। मैं एक राजनीतिक पार्टी का जो प्रदेश में चार चार बार सत्ता में रही है उस पार्टी का मैं नगर अध्यक्ष हूँ वर्तमान में मऊ नगर का। मगर यकीन मानिए आज की डेट में जो सिस्टम बना हुआ है थाने के गेट तक जाने में मुझे डर महसूस होता है। ये सच्चाई है, मगर कसम खुदा की मुझे मुझे यकीन नहीं होता जब मैं इनके न्यूज देखता हूँ कि थाने में घुस के इनकी टीम जो है थाने में घुस के छोटे कैमरे से इन्होंने वहाँ पे जो दलाली हो रही थी एसओ साहब की कुर्सी को इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखा दिया कि देखे इस थाने में दलाली होती है। मैंने उस न्यूज को देखा, तुरंत तो फोन किया, मैंने दो शब्द कहा था कि बहुत भाई इतना इतनी हिम्मत और इतना हौसला आता कहाँ से है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था इनकी न्यूज को देखकर कि किसी इंसान के अंदर आज की डेट में ऐसी हुकूमत में इतनी हिम्मत हो सकती है। मगर सुहाद भाई ने कहा कि मजा भाई पहले मैं अकेला कांस्टेबल था, पहले मैं अकेला ऐसे कांस्टेबल साहब का लड़का था, आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ है। उन्होंने कहा कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे और सहारा बन के निकल घर से तू बेसहारों का, तेरे नसीब में फरिश्ते उतर के आएंगे। राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ का मासिक बैठक होती है जनपद में, हर कादमी जी जिलाध्यक्ष हैं। आज चूंकि बीच में लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई थी बैठक, आज 15 अगस्त दिन हैप्पी राय जी के सौजन्य से यह बैठक यहां पर हुई है और इसमें सामाजिक समरसता के साथ सारे वर्ग के लोग इकट्ठा हुए हैं। ध्वजारोहण किया गया है, कार्यालय का उद्घाटन भी आज हुआ है, सारी व्यवस्था आज विधिवत हो गई है मऊ में और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में भी हम लोग की बैठक जो है हैप्पी राय जी के सौजन्य से या अन्य साथियों के सौजन्य से होती रहेगी, समस्याओं का निराकरण करने के लिए यहाँ पर एक रणनीति बनती रहेगी। आज एक नई चीज भी हमारे फर्ज कार्मिक जी जिलाध्यक्ष महोदय की तरफ किया गया है कि सारे पत्रकारों को शपथ दिलाई गई है कि अगर किसी पत्रकार के साथ कोई घटना घटती है तो सभी लोग एक साथ एक आवाज में एक जगह पहुँच जाए ताकि हम लड़ाई लड़ सकें और लड़ाई को मंजिल तक पहुँचा सकें। इसी उद्देश्य को लेकर यह बैठक हुई है, हमेशा होती है, हर महीने में होती है, बराबर होती रहेगी। यही कार्यालय हमारा होगा हैप्पी राय जी के मकान और यहीं पर बैठक के सारे कार्यक्रम किए जाते रहेंगे। अभी तक आपके संगठन से कोई लड़ाई लड़ी गई है? देखिए अभी तक तो संगठन में दो लड़ाई रहे, हम एक तो फार कार्मी जी की लड़ाई जिला मऊ के साथ दक्षिण टोला थाना अध्यक्ष द्वारा बदतमीजी किया गया, फाजू कर्मा लिखा गया, उसको लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, अभी लड़ी जा रही है। दूसरी लड़ाई हम लोगों ने एक उन्नाव जनपद के आगे एक कस्बा पड़ता है वहाँ उन्नाव के एक साथी की लड़ाई थी जिस पर उसके खिलाफ तमाम कार्रवाई चल रही, हिंदू मुस्लिम दंगा का फसाद का किया गया था, लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ लड़ा हरदोई में और निशान शुक्ला के लड़ाई को मुकाम तक पहुँचा कर उनको न्याय दिला दिया गया है। हमारा संगठन मजबूती से लगा हुआ है और सभी लोग एक साथ लड़ाई लड़े हुए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मऊ के लोग भी जरूरत पर एक साथ हो जाए, जैसे उन्नाव के लोग हो जाते हैं, कानपुर के लोग हो जाते हैं, लखनऊ के लोग होते हैं, हरदोई के लोग होते हैं, यह उदाहरण बनाइए अपने मऊ को। हमारा यही आखिरी इच्छा है कि मऊ उदाहरण बन के पूरे प्रदेश में निकले। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ भारत का सदस्य हूँ। जब भी संघ को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम सब बड़े से बड़े महास पर समय से एकत्र होकर आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और बिना डरे संगठन के मात्र पत्रकार हित के खातिर आखिरी सांस तक प्रशासन से और शासन से और साथ ही उन सभी लोगों से लड़के डट के मुकाबला करेंगे जो पत्रकार के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।